नमस्कार दोस्तों दोस्तों एक व्यूअर ने अपने घर का प्लान भेजा है, साथ में व्हाट्सएप मैसेज भी है। हाय सर, अपना नाम लिखा उन्होंने। आई एम फ्रॉम देहरादून। आई गॉट यूर इंट्रोडक्शन थ्रू 4 PM चैनल एंड गॉट यूर नंबर थ्रू जस्ट डायल। आई नीड टू कंसल्ट यू अर्जेंटली, प्लीज लेट मी नो द प्रोसीजर इंक्लूडिंग यूर कंसल्टेशन फी। थैंक्स। डियर सर, I am sending you the complete house plan with all maps. Beside this, I am also sending you the ground floor plan, depicting underground water tank empty for long time, and also terrace and mumti, which one syntax tank full of water each. Please let me know any other information required. इनका प्लान आया और सब जानकारी मिल गई और रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं थी। तो ये उनका ग्राउंड फ्लोर है और ये इनका फर्स्ट फ्लोर है और ये रूफ प्लान है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ईस्ट फेसिंग घर है इनका। जरा देखिए, अब अपन यहीं से शुरुआत करते हैं कि ईस्ट फेसिंग, और ये देखिए इस तरह आगे बढ़ गया, ये ऐसा यानी कि ईशान कोण कट गया। देखिए मैं देशी भाषा में वो कहेंगे ना, किसी को समझाना अनपढ़ आदमी को, उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि वह गले ही कटा हुआ दे रहा। तो इस घर का गले ही कटा हुआ मतलब सब कुछ खत्म है। ऐसी जगह पर आदमी कभी तरक्की नहीं कर पाता, दिक्कत आती है। ना बेटे तरक्की कर पाते हैं, बड़ा बड़ा बेटा खास करके दिक्कत। हाँ, जो बच्चा बाहर चला गया रहने के लिए, पढ़ने के लिए, उसकी बात अलग है, जो यहाँ रह रहा उसकी बात कर रहा हूँ। ये अग्नि कोण बढ़ गया। अग्नि कोण बढ़ने के कारण क्या हुआ कि घर में विवाद और कलह रहते, मनभेद तो नहीं होंगे, मतभेद रहते हैं, यानी मरने को तैयार, मानने को तैयार नहीं दूसरे। इसी के साथ यहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, यानी ये बूस्टर का काम कर रहा उसके अंदर, ये भी गलत है। और यहाँ पर सब जगह पर एक बात देखने में आई है कि किसी घर में जो ब्रेस्ट कैंसर के जो मरीज होते हैं, मतलब जो लेडी रहती है, उनके घर में ये दो जरूर मिलता है कि उनके यहाँ पर कोई ना कहीं मतलब गड्ढा होता है, गड्ढे में पानी तो बूस्टर तरह काम कर रहा है। और ईशान कोण में दूसरा नहीं, ईशान कोण में कट आ गया या गड्ढा आ गया, तो ऐसी स्थिति बन जाती है। एक दूसरा, यदि अग्नि कोण में साउथ ईस्ट में अग्नि कोण में यदि ज़्यादा मात्रा में पानी रहे, तो दो में से एक बात होती है, ना तो आर्थिक स्थिति खराब होती है जो कि इस कट के कारण दिख रही है, और यदि दूसरे सब वास्तु अनुकूलता है और यह पानी का टैंक है, ज़्यादा मात्रा में पानी जमीन के अंदर या जमीन के ऊपर आ जाए, ऐसी स्थिति में यहाँ आ जाए, तो या तो आर्थिक स्थिति खराब अथवा घर की लड़की को बदनामी का सामना करना पड़ता है, ऐसे कुछ हालात बन जाते हैं, ये गलत है। इधर आइए, ये अंदर जाने का रास्ता ठीक है, चलेगा, जीना या दिया कोई दिक्कत नहीं है। किचन आ गया इनका नॉर्थ में, किचन नॉर्थ में होना, ओपन होना, तो नॉर्थ का किचन यूज़ अच्छा होता है। घर की महिलाएं समझदार होती हैं, घर के पुरुषों को कमाने के लिए कम मेहनत करना पड़ती है। हो सकता है, अब ये दोष कारण मैं पक्का नहीं कहता हूं, पर हो सकता है इनका जो काम उसमें मेहनत ज़्यादा लगती है, ऐसा कुछ काम करते हों, पर इस दोष कारण मैं पक्की तरह नहीं कह सकता हूं, ठीक है, मेरा ऐसा अनुभव नहीं है, पर ये है। और दूसरा ओपन किचन है, ओपन किचन मतलब इस घर के मुखिया की यहाँ आके रहने के बाद धीरे धीरे उसके दोस्तों की संख्या कम होती जाती है, रिश्तेदारों से शत्रुता रहती है। यदि कोई गर्भधारण करने उम्र है, उसको गर्भधारण करने में दिक्कत आती है, और यदि ऑलरेडी बच्चे तो उनकी तरक्की में रुकावट आती है, ये गलत है, ये ठीक है। ये दरवाज़ा इन्होंने दिया अग्नि कोण का, ये बेडरूम का दरवाजा अग्नि कोण का है, ये विवाद और कलह का कारण है, ये दरवाज़ा गलत है, ये इस तरह कभी तिरछा दरवाजा नहीं देना चाहिए किसी दिशा में भी। सभी दिशाओं में वास्तु दोष करता है, किसी दिशा शुभ नहीं होता है। इसका सबसे तरीका सीधा लाओ और यहाँ दरवाजा दो दक्षिण अग्नि का, इधर तो पूर्व अग्नि का हो जाएगा, गलत है ये दरवाजा सही है। अब यहाँ आके ये जो बढ़ाव है, ये बढ़ाव भी शुभ नहीं है, क्योंकि ये बढ़ाव हो गया पश्चिम नृत्य का। पश्चिम नृत्य का बढ़ाव घर के, खास करके विशेष कर घर के पुरुषों के लिए शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सब समस्याओं का कारण बनता है, ये भी गलत है। ऊपर इनने कहा कि यहाँ पर छत पे यहाँ पानी की टंकी है, ठीक है, रख सकते हैं, ठीक है ना, कवर्ड रूफ विद द वॉल, वो ठीक है। यहाँ पर भी एक पानी का टैंक है, चल जाएगा इस पानी को, कि ये शान में आ गया और ये निर्त, ये तो सही जगह है, ये बढ़ाव शुभ नहीं है, पर ये जगह सही है इसके लिए, ठीक है ना। ये बालकनी बनी तब भी बढ़ाव तो ही नहीं है, तो ये गलत है। इस तरीके से देखा जाए तो इस घर में काफ़ी वास्तु दोष है। निश्चित इनके जीवन बिल्कुल सरलता नहीं होगी, बड़ी
समस्याओं के साथ, मुश्किलों के साथ सब काम चल रहा होगा, विघ्न बाधाओं के साथ, आर्थिक समस्या भी होने की होना चाहिए इनको, ठीक है। अब इसका तो ये कि क्या तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं, पूरी प्लानिंग करके दे तो संभव है, इंडिपेंडेंट हाउस है, खुद मालिक हैं, तो सब चीज़ पॉसिबल है। और जिस शहर में आते मुझे लगता है वहाँ पर सब पॉसिबल है, मतलब आपको कोई नियम पालन करने जरूरत, अपने हिसाब से घर में चेंजेस कर लो, कोई विशेष समस्या नहीं आएगी उनको। यदि इसका कर लेंगे तो निश्चित इनके जीवन में इनको राहत मिलेगी, ये तय बात है, और इसको सुधारा जा सकता है। इंडिपेंडेंट हाउस में सच्ची बात होती है, फ्लैट सिस्टम में पॉसिबल नहीं होता है, उसमें बहुत दिक्कत आती है, इसमें बिल्कुल ईजिली पॉसिबल है, हर चीज़ ठीक करना पॉसिबल है। खुद का मकान है, एक बार कर लेंगे तो ज़िंदगी भर सुखी रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको भी पसंद आया होगा। नमस्कार।